तो जैसे कि मैंने दोस्तों थोड़ी देर पहले जैसे कि मैं थोड़ी देर पहले तो हम दसिया सी पति की फरमाइश पे गर्मा गर्म परांठे जो हैं रेडी है ब्रेकफास्ट प्रिपेयर किया और मैंने तो कर लिया दोस्तों, सच्ची बताऊँ तो, और मतलब मम्मी डैडी ने भी कर लिया है और ये रह गए थे क्योंकि इनका सब काम लेट होता है, लेट इन द सेंस इन्होंने ऑफिस जाना होता है तो ये आराम से उठते हैं और आराम से करते हैं, हम भी इनको बिल्कुल नहीं रोकते। तो बस मैं इनको ब्रेकफास्ट देने जा रही हूँ और मैंने सोचा क्यों ना आज मैं ब्लॉग शूट कर लूँ और थोड़ा सा आपको अपना रूटीन ब्लॉग जो है वो दिखा दिया जाए। तो देखिए रोटी और इसमें जो लेफ्ट ओवर सब्जी होती है ना वो सब मैं गुन लेती हूँ और ये है आलू की सब्जी, आलू सोयाबीन की, सोयाबीन आलू बीन्स की सब्जी और ये है चाय। बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है, कैसा लग रहा है तुम्हें? बहुत बढ़िया, और वैसे मैंने खाया नहीं है लेकिन मुझे देख के टेस्टी लग रहा है। अच्छा तो दोस्तों मैं आ गई हूँ पति के पास, तो मिलिए ये है मेरे पति पति तो मिलिए गाइस मेरे पति देव से। तो मुझे लगा कि पूरा दिन हमारी जो है ना पूरा दिन हमारी कन्वर्सेशन नहीं हो पाती, तो मुझे लगा कि इस टॉपिक को उठाना चाहिए, हाँ कि हम लोग बात ही नहीं कर पाते हैं दोस्तों, सारा दिन मतलब ऐसे निकल जाता ना पता नहीं चलता। तो मुझे ऐसा लगता है दोस्तों कि हम लोग जो है बात नहीं कर पाते हैं, तो तुम की कहने वाले इस बारे? मैं कहना कि मैं तो गल बात कर पाना। मैं पंजाबी नहीं है तो मैं बहुत वधिया पंजाबी बोलती हूँ, तो ये पंजाबी है हो गए भी पंजाबी नहीं बोल सकते। तो दोस्तों तो मुझे क्या लगता है कि आज मुझे फुल डे पंजाबी ब्लॉग करना चाहिए, तो मैं पंजाबी में बोलूँ, पंजाबी में बोलूँ, हिंदी में बोलता हूँ। तो मैंने इसको कल बोला कि तुम ना पंजाबी नहीं बोल सकते इतनी अच्छे से, पर मैंने आज फिर ये सोचा दोस्तों कि मैं जो है ना फुल डे पंजाबी व्लॉग बनाऊंगी, मतलब मैं पंजाबी विच गल करांगी पूरे व्लॉग विच, मतलब कि उसने व्लॉग में मुझे दिखाएगी कि आज मैंने पंजाबी, क्योंकि वैसे तो मैं घर पे होऊंगा नहीं, मैं आऊंगा इवनिंग में। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा तो इतनी देर क्या किया है? हाँ मैं पूरा दिखाऊंगी मैं फुल दिखाऊंगी कि मैं पंजाबी विच बहुत वधिया गल कर सकती हूं, तो मैंने पंजाबी बोलनी आती है, तो फुल डे जो होगा मेरा वो पंजाबी विच ही होएगा दोस्तों। चलो देखते हैं फिर, ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग होगा मेरे लिए, मैं भी देखूंगा। तुम हिंदी में क्यों बात करते हो? नहीं मैं अभी हिंदी में पंजाबी विच गल कर सकते हो। हाँ पंजाबी विच तो बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा जेडे लोग सानू देखदे ने कि हुन आगे की होगा। दोस्तों तुसी जरूर कमेंट विच दसना कि तुहानू किहदी पंजाबी वधिया लगी, प्लीज 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 कमेंट कर दिया करो दोस्तों, और लाइक भी कर दिया करो अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो। और चलो तुसी हुन पंजाबी विच मेरी थोड़ी तारीफ करो, चलो मैं तुहानू किवें दी लगदी हां। तो कि तो दोस्तों इनको मतलब ना ये तो दोस्तों इन्हां नूं इन्नी आदत पई हुई है कि रोटी खांदे हुए ना है इन्हां नहीं छड्ड सकदे, ते कदे भी नहीं। बड़ी अच्छी ना वेब सीरीज है, इन्हां ते इंटरेस्ट है, जेड़े जेड़े लोग वेब सीरीज देखते हैं उन्हें दसता अजकल मैं केड़ी देख रहा है, हैरी लॉस्ट इन स्पेस काफ़ी इंटरेस्टिंग वैब सीरीज है, तो नैटफ्लिक्स के विच है, तो काफ़ी ज़्यादा मैं मतलब कि जो लोग मतलब कि यूनिवर्स के बारे देखना पसंद करते हैं। अच्छा उन्होंने वास्ते बहुत वधिया है, तो जरूर देखना। बट तुसी दोस्तों कमेंट विच दसना कि रोटी खाते कोई देखता है? रोटी खाते बंदा देखता है बस।
तो जैसे कि मैंने दोस्तों थोड़ी देर पंजाबी पहले पंजाबी ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੱਕੀ ਦੀ ਰੋਟੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਗ ਖਾਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਬਟ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਵੈਸੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ ਆਲੂ ਦੇ ਬੀਨਸ ਆਲੂ ਫਲੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਖਾਣੇ ਵੈਸੇ ਕਾਫੀ ਟੇਸਟੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਵੈਸੇ ਇਹਨੂੰ ਕੁਝ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਤਾਰੀਫ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਨਾ ਮੱਕੀ ਦੀ ਰੋਟੀ ਬਣਾਉਣੀ ਇਹਨੂੰ ਕੁਝ ਖਾਸ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ ਅੱਛਾ ਇਹ ਮੇਰੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਇਹ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਗਾਇਸ ਇੱਥੇ ਥੋੜੀ ਲਾਈਟ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰਨਾ ਥੋੜੀ ਲਾਈਟ ਇਹਨੀ ਅੱਛੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਦੀ ਇੱਕ ਤਾਰੀਫ ਹੈਗੀ ਕਿ ਇਹਨੇ ਮੱਕੀ ਦੀ ਰੋਟੀ ਬਣਾਉਣੀ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਸਿੱਖ ਲਈ ਵੈਸੇ ਇਹ ਕੰਪਲੀਕੈਂਟ कॉम्प्लीमेंट हैगा काफी टाइम मतलब खाना बनाने से बहुत परफेक्ट हो चुके हैं जो कि पहले नहीं सी थैंक यू दोस्तों प्लस पॉइंट है और बाकी दे मैं हुन जा रहा है ड्यूटी वापसी तो मैं सोच के दसा अच्छा बस ऐनी तरीक सी ए दे खाने वाले से और कुछ भी दसो और भी कुछ दसो और कुछ नहीं है और भी धीरे-धीरे आ रहा है सॉरी थोड़ी थोड़ी देर बाद याद आएगी ना तो मैं तुम्हें फोन करता रहूंगा तो तुसी फोन रिकॉर्डिंग सुना देना अच्छा तो दोस्तों बस इतनी ही पंजाबी जो है ना वो मेरे पति देव को नहीं तो दोस्तों इतनी ही पंजाबी में तारीफ मेरे पति मेरी कर सकते सी तो मैं भूलना नहीं है मैं पंजाबी बोलनी है तो हुन इन्हां नूं बाय बाय करके असीं चलते हैं अपने काम विच तो आज मेरे पास वो आज मेरे को बहुत सारा काम हैगा आज सब तो पहला तो मैं करना देख सकते हो कि ए रूम जो बहुत ज़्यादा मैसी हो रहा बहुत ज़्यादा भी नहीं हो रहा बट हो रहा एक्चुअली मुझे खाना था कुछ क्रंची खाना खाने का मन नहीं था मुझे क्रंच चाहिए होता दोस्तों
तो ये नमकीन मुझे बहुत टेस्टी लगती है। तो पति लई मैं बनाया साग, साग मैंने चढ़ा दिया है और बस शाम को आएंगे तो देखते हैं कि मैं साग को तड़का लगाती हूँ। गोभी भी पड़ी है, सोच रही हूँ कि गोभी भी कुक कर लूँ मैं। तो ऑल्सो मैं ये खा रही हूँ, ये वाला आपको शायद दिख रहा होगा, डार्क फैंटसी वाला बिस्किट है, बिस्किट कम ये टाइप में चॉकलेटी, और ये मुझे बहुत अच्छी लगती है शुरू से ही। तो 3-4 साल से मैं इसको खा रही हूँ दोस्तों, और जब भी मेरा दिल करता है कुछ मीठा खाने का तो मैं हमेशा यही खाती हूँ, और इसका जो क्रंच है ना और इसका जो टेस्ट है मुझे बहुत अच्छा लगता है। इन लोगों ने खाई होगी तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको कैसी लगी। तो मुझे तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पर मैं कर रही हूँ रितु का मेकअप, और रितु तो आप सब जानते ही होंगे मेरी जो नेबर हैं ज्योति भाभी, उनकी बेटी है। और यहाँ पर वो मुझे बोल रही थी कि चाची क्या आप मुझे आप रेडी कर दोगे, क्योंकि रितु के कॉलेज में थी फ्रेशर पार्टी, तो बस उसके लिए ही मैं ये सब कर रही हूँ। मुझे इतने अच्छे से तो नहीं आता, बट जो मैं खुद के लिए करती हूँ ना उससे बहुत लाइट, बहुत ही ज़्यादा लाइट मैं रितु का मेकअप कर रही हूँ यहाँ पर। तो देखिए आप भी, साग रेडी दोस्तों। ये है अनारदाना और इसकी मैं बनाने जा रही हूँ चटनी, बट इसको ना पहले कूटना पड़ेगा इसके अंदर। तो मैं इसमें जो है मुझे दिखा सकती है, तो बिल्कुल मैं ना एकदम रिलैक्स हो गई हूँ दोस्तों। तो रिलैक्स मोड में ही मैं किचन का काम कर सकती हूँ, और यहाँ पर मैं जो हूँ ना अनारदाना ही कूट रही हूँ,
और जो बाकी का मिक्सचर है ना, मतलब जो इसमें धनिया डलेगा, मिर्ची डलेगी और जो और इंग्रेडिएंट्स है वो मैं सोच रही हूँ कि उसको तो मैं ना मिक्सी में भी मिक्सर में कर सकती हूँ, बट स्टिल ये जो है ना दोस्तों, ये जो है ये मिक्सी में नहीं होगा क्योंकि इसके ना मुंह में क्रंच आ ही जाता है, तो इसलिए मैं इसको ना ऐसे कूट रही हूँ। मुझे लग रहा है कि मैंने क्वांटिटी ज़्यादा ले ली है, बट कोई बात नहीं, मेरे पास धनिया भी ज़्यादा है और चटनी जो है वो ख़राब नहीं होने वाली, तो मैं इससे कूटूँगी। मतलब मैं क्या बनाने वाली थी और मैं क्या बनाने जा रही हूँ, तो हस्बैंड की डिमांड आई है कि मुझे गोभी के परांठे खाने हैं और वो भी दही के साथ, तो वो कार्ड लेके आ रहे हैं। और यहाँ पे मम्मी की डिमांड है कि मुझे आलू गोभी खानी है, और डैडी की डिमांड है कि मुझे साग के साथ मक्की की रोटी खानी है। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं किस किस की डिमांड पूरी करूँ, बट स्टिल हस्बैंड जो है वो सुबह ही ब्रेकफास्ट करके जाते हैं, तो पहले कुछ भी नहीं देते और उनका ये लास्ट मील होता है, तो मैं सबसे पहले उन्हीं की डिमांड पूरी करने लगी हूँ। मैं बनाने लगी हूँ गोभी के परांठे, और ज़्यादा नहीं खाते हैं, बेसिकली एक या दो ही खाते हैं मुश्किल से, बट उन्हें जो खाना चाहिए वो अच्छा चाहिए और प्रिपरेशन भी उसकी अच्छी होनी चाहिए, तो बस उसी की मैं तैयारी करने लगी हूँ। अनारदाना है वो मैंने रख लिया था, ये आ चुके हैं और मैं आ गया। हाँ ते आ गए ने, पहुँच गए ने, तो हमारी पंजाबी अब स्टार्ट हो चुकी है। लाइट मेरे मुंह पे पहुंच गई। हेलो हेलो, क्या कर रहा है? पूजा कर रहा है अपने दादू के साथ। ज्यादा कर रहा है क्या? कर रहे हो? मैं लाया था समोसे। नहीं, पहले मुझे एक बात बताओ, तुम्हारी डिमांड्स क्यों नहीं पूरी होती हैं? तुम्हारी मतलब मैंने अभी ये तुम्हारे लिए लाया हूँ। नहीं, और मैंने यहाँ पे आलू गोभी की सब्जी बनानी थी, तो ये जो है ना, मैंने गोभी का मसाला प्रिपेयर करके रखा है कि मैं गोभी के परांठे तुम्हें खिलाऊंगी, और तुम यहाँ पे समोसे लेके आ गए हो हैं, तुम मतलब ये क्या बात हुई? समोसे तो मैं तुम्हारे लिए लाया, आलू के परांठे तो मैं खाऊंगा, तुम क्या खाओगे? आलू के परांठे के गोभी के परांठे लोग अब खाने लगे समोसे, और रात के बज रहे हैं 7:15, और अभी वैसे भी डिनर का टाइम नहीं हुआ है, और मैंने बाकी गोभी के परांठों की सारी प्रिपरेशन करके रख दी है, बस जब बोलेंगे डिमांड आएगी तब मैं बना दूंगी, और अभी मैं समोसा एंजॉय करूंगी दोस्तों। हो के समोसा दोस्तों मुझे ये वाली चटनी के साथ, यानी आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको वीडियो दोस्तों अच्छी लगी है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिए फॉर डेली अपडेट्स के लिए। और दोस्तों याद रखिए, यू आर ब्यूटीफुल द वे यू आर, से स्ट्रॉन्ग से हैप्पी। फिर मिलते हैं दोस्तों, बाय बाय। देख सकते हैं पति की फरमाइश पे गर्मा गर्म परांठे जो हैं रेडी है। थैंक यू सो मच। पंजाबी में तो अड्डा बहुत बहुत धन्यवाद। बढ़िया यार, सच्ची टेस्टी है। नहीं, मैं नहीं खा रही। नहीं, मैंने नहीं खाना। मजा आ गया। हैप्पी।